हेलो सेकेंड स्टैंडर्ड आज हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर फाइव निकालेंगे उसमें आपको एक्टिविटी टू दिख रही है वो हम स्कूल खोलने की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्स एक्टिविटी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है हु इज़ इन न्यू स्टूडेंट इन द क्लास हमारे क्लास में कौन सा नया लड़का आया है कौन आया था नया लड़का हमारे क्लास में पार्थ वेरी गुड तो पार्थ इज ए न्यू स्टूडेंट इन द क्लास सेकेंड क्वेश्चन हु इज रमेश भाई रमेश भाई कौन है रमेश भाई इज ए टीचर क्वेश्चन थ्री वेर डिड पार्थ स्टडी लास्ट ईयर तो पार्ट स्टडी इन वडोदरा लास्ट ईयर उसने स्टडी लास्ट ईयर कहाँ की थी वडोदरा में क्वेश्चन फोर डू पार्ट्स ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ हिम क्या पार्ट के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी उसके साथ रहते हैं उसके दादा दादी उसके साथ रहते थे ना नस yes. तो येस दे लिव विथ हिम क्वेश्चन फाइव हाउ मैनी्बर्स आर देयर इन पार्ट्स फैमिली पार्थ के फैमिली में कितने मेंबर्स रहते थे फाइव तो देर आर फाइव मेंबर्स इन पार्ट्स फैमिली क्वेश्चन सिक्स डू यू थिंक पार्थ लाइक हिज ग्रैंड पेरेंट्स क्या आपको लगता है कि पार्थ को अपने दादा दादी अच्छे लगते हैं तो पार्थ को उसके दादा दादी अच्छे लगते थे ना जैसे कि आपको अच्छे लगते हैं दादा दादी वैसे पार्थ को भी बहुत अच्छे लगते थे तो यस पार्थ लाइक हिज ग्रैंड पेरेंट्स अभी उसके नीचे एक्टिविटी थ्री दी गई है कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ रीड द पैराग्राफ टू द क्लास। तो ये वाली एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है तो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे लिखा है आई एम तो वहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है आपका नाम माय फादर्स नेम इज़ तो आपको यहाँ आपके पापा का नाम लिखना है लास्ट ईयर आई एम इन क्लास वन तो आप लास्ट ईयर कौन से क्लास में थे फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट में थे और दिस ईयर आई एम इन क्लास टू यानी अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो सेकेंड एंड नेक्स्ट ईयर आई एम इन क्लास थ्री अभी सेकेंड स्टैंडर्ड के बाद आप नेक्स्ट ईयर कौन से क्लास में आओगे स्टैंडर्ड थ्री में लास्ट ईयर आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड लास्ट ईयर आप कितने साल के थे सिक्स साल के थे एंड दिस ईयर्स आई एम सेवन ईयर्स ओल्ड अभी आप कितने साल के हुए सेवन ईयर्स माय बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ पे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है एक या दो जितने हैं दो ही दिए हैं ब्लैंक्स तो दो ही लिखना दिस ईयर्स माय बेस्ट फ्रेंड यानी कि दिस ईयर्स यानी अभी ये जो सेकेंड स्टैंडर्ड में आप हो तो उसमें आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है तो वहाँ पर भी आप दो नाम लिख देना लास्ट ईयर माई क्लास टीचर कौन थे लास्ट ईयर यानी जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब आपके क्लास टीचर कौन थे भूमिका मैडम तो वहाँ आपको भूमिका मैम का नाम लिखना है दिस ईयर्स माय क्लास टीचर जिग्निया मैम तो दिस ईयर्स यानी अभी आपके क्लास टीचर कौन है जिग्निया मैम फिर भी मैं आपको ये पूरा एक्टिविटी टू यानी कि ये क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटी थ्री ये दोनों का आंसर के साथ मैं फ़ोटो भेज रही हूँ आपको तो आपको मेरे में से देख के लिख देना है जहाँ मैंने ब्लैंक्स रखी है एक्टिविटी थ्री में मैंने जहाँ ब्लैंक्स रखी है वहाँ आपको आप अपने आप लिखना है और एक्टिविटी फोर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे थैंक यू